है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर आज एक नई शुरुआत हुई है और हमारे रूपेश जी जो हैं वो ईस्टर्न हाइलैंड्स ग्रुप के जो हैं एमडी हैं, वो संस्थापक हैं इसके, और उनकी टीम काम कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे उसमें रियल एस्टेट भी है, उसमें जो है लोनिंग भी है, अलग फाइनेंस तरीके से, इन्वेस्टमेंट तरीके से जो है हमें इनकी कंपनी के साथ में इनकी कंपनी को प्रमोट करने का जिम्मा मिला है। तो मैं आज स्टार्टअप इंडिया का ज़माना है, तो मैं चाहता हूं कि पूरे दुनिया को एक छोटा सा गांव बना के और ईस्टर्न हाइलैंड्स ग्रुप जो है पूरी देश दुनिया की खूब सेवा करे, क्योंकि ये जनता जनार्दन के लिए कंपनी बनाई गई है, सबके सपने पूरे करने के लिए बनाई गई है। तो जिसको जहाँ पे जिस तरीके से ईस्टर्न हाइलैंड्स ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है, ईस्टर्न हाइलैंड ग्रुप जो है वो उनके साथ हमेशा हर चौराहे हर तिराहे पर खड़ा मिलेगा, जैसी हमारी रूपेश जी से बात हुई है। और इसके साथ में एक बहुत ही प्यारी, एक बच्चों के लिए नई नवेली सी एक अलग तरीके की एक फिल्म जो है ईस्टर्न हाइलैंड ग्रुप ने जो है उसको भी स्पॉन्सर्ड कर दिया है, जिसका नाम है घड़ी, उसको हमारे राजीव श्रीवास्तव जी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक क्रिएटिव और सृजनशील जिस तरीके का एक संयोग बना है, तो हम चाहते हैं कि पूरे हर देश दुनिया का हर परिवार इसका सदुपयोग के रूप में मजा ले और इसका लाभ उठाए, बस यही अपील करता हूँ। ईस्टर्न पे आया, जैसे गूगल पे फोन पे है, इससे लोग पैसे भेज सकते हैं, मंगा भी सकते हैं जी। इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जी, हर आदमी चाहता है पैसे तुरंत मिल जाए कहीं भी। तो इसलिए ईस्टर्न पे के साथ में जुड़ने का और भी हमें अच्छा लगा कि बहुत सारे पे थे, ये पे, वो पे, वो पे, सबके नाम ले नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ईस्टर्न पे से भी जुड़े, आप जुड़िए, आपको हमें लगता है एक और प्लेटफॉर्म ऐसा मिल गया है जो आपकी सारी, आपके लिए सारी सुविधाओं के साथ में सुलभ रहेगा और आपको इसका आनंद मिलेगा। और आप आज हम लोगों ने शुरुआत की है इसकी, नींव इतनी बहुत रूपेश जी की जो है बहुत मेहनत है इसके पीछे, लेकिन कोशिश करेंगे कि सातों समंदर के हर किचन इसका लाभ उठाए, ऐसी कामना है, ऐसा हमारे रूपेश जी का सपना है। और नाम ही है एक कदम सपनों की ओर। तो स्टार्टअप के ज़माने में आप एक कदम बढ़िए तो आप अपने कल्पना के घोड़े एक बार दौड़ाइए तो ईस्टर्न हाइलैंड्स ग्रुप आपके लिए खड़ा है, आपकी उड़ान को हकीकत में बदलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दूसरी चीज़ ये कि अभी के डेट में जो एक मार्केट में जो यूपीआई का ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिसमें डिले हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी यूपीआई में, हम लोगों ने पूरे मार्केट को रिसर्च करके इस चीज़ को बनाया ईस्टर्न पे को जी। और इमीडिएट आपको काउंटर मिलेगा, इमीडिएट काउंटर, माइक्रो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है, पैन इंडिया मिनिमम इंटरेस्ट, हमसे कम इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। और हम तो चाहते हैं कि जब इस तरीके का सिंडिकेट और इस तरीके का जनता जनार्दन के बीच में कंपनी का समन्वय बने कि हर किचन इसका लाभ उठा सके, बस यही कामना करता हूं। और जिस मिशन के, जिस नीति और नियत के लिए बनी है कंपनी, भगवान इनको खूब सद्बुद्धि दे और सबका साथ दे, और इनकी जो है जो मिशन है कि बहुत सारे लोगों के किचन चलाने में एक माध्यम बनना, इनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कर देता हूँ। तो सर आपका सपना पूरा हो गया, स्लोगन भी एक कदम सपनों की ताकि फिल्म। हाँ, मेरी ये फिल्म की शुरुआत हुई, ये मैं इससे पहले और दूसरी, जैसे मैंने ये कहानी सुना तो इस फिल्म को करने का एक सपना हुआ मेरा। तो ये चीज भाई ने बहुत अच्छी बोली, एक कदम सपनों की ओर हमने बढ़ाया और पूरा किया भाई ने। इस फिल्म को करना एक सपना था। अच्छी चीजों को प्रमोट करना एक सफल इंसान का कर्तव्य। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत।
सकते हैं। तो उसमें जो योगदान निभाने की कि मतलब कि हमारे यहाँ पे हमारी जो कंपनी है वो, मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि उन लोगों की मदद करने के लिए है जो लोग जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो सबसे अच्छी बात लगी और मुझे इसका हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। तो मैं बिल्कुल इसके एक प्रमोटर के रूप में बिल्कुल तैयार हो गया और मुझे लगा कि ये करना चाहिए, क्योंकि जनता तक जितनी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उसमें आप अपनी पात्र के रूप में क्या सहभागिता निभा रहे हो वो बहुत उसकी। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, मेरी अचानक बात हो रही थी परसों, पता नहीं है शेयर करना चाहिए कि नहीं, नहीं करना चाहिए तो आप लोग कट कर दीजिएगा, करना चाहिए तो कंटिन्यू। हम लोग की बात हो रही थी सातिर और काबिल। सातिर ये बंदा हर रोज सम अमाउंट, मुझे कैमरे के सामने अमाउंट बोलना नहीं चाहिए, पॉकेट में लेके निकलता है सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए। जैसे जैसे कोई बुजुर्ग शॉप फ्रूट बेचने वाली कुछ बेच रही थी, ये रुके और सारे फ्रूट्स ले लिए, और सारे फ्रूट्स लिए तो मैंने पूछा कि क्यों किया, बोले कि वो माँ जो है धूप में परेशान होती, अब घर जाके सोएगी। तो इस टाइप का जो इनका ये स्वभाव रहा है, तो इस उम्र में जो ब्रेन, ज़्यादा ब्रेन जब किसी के पास रहता है तो वो सातिर होता है, लेकिन ब्रेन के साथ जब दिल होता है तो वो काबिल होता है। तो मैं वो जो सातिर और ये मैंने भी आज मतलब ये सातिर और काबिलियत कि राजपाल भाई, एक बुजुर्ग रोड पे कुछ बेच रही थी, मैं भाई के साथ, अच्छा मैं मारुति पे चल रहा हूँ इनके साथ, 8-10 मर्सिडीज पीछे, भाई अपनी गाड़ी रोक के मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है, पीछे गाड़ियों का काफिला चल रहा है, एक बुजुर्ग लेडी कुछ बेच रही है, गाड़ी रुकवाया, उसका सारा फ्रूट्स ले लिया, किस काम में आएगा, बोले मेरे काम में आए ना, वो जाके घर पे आराम करे। मुझे मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारी बात पहुँचे, जिस आदमी की सोच इतनी अच्छी उस आदमी को सपोर्ट करना चाहिए किसी भी रूप में। आप दूसरे बैंक से पैसा ले रहे हैं, हमारे बैंक से पैसा लीजिए, हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, हम आपको देने के लिए क्रेडिट सिस्टम हम लोगों ने रखा है। बाकी कंपनियों का 12 आवर का डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोगों ने माइक्रो सेकंड का रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सचिन तेंदुलकर जी कॉमेडी के हमारे साथ जुड़ गए, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि हम एक खुशी को किचन तक पहुँचा रहे हैं। डायरेक्टर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा शूट करके? हम लोग क्रिएटिव आदमी है, व्यापार उतना नहीं समझते, बट इस फिल्म को लेकर के मैं मिला ईस्टर्न हाईलाइट ग्रुप के जो है ओनर रुपेश जी से, तो 4-5 मुलाकात में हमने देखा ये उम्र इनकी 28-29 साल है। इस उम्र में जब आदमी पैसे कमाता है तो उसके पास तमाम चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको मैं कैमरे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट 4-5 मुलाकात में ये शख्स सिर्फ काम काम और काम। 4-5 दिन में इस शख्स को मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा सोते हुए नहीं देखा, और इतना फास्ट डिसीजन, मैंने बहुत सारे काम किए हैं फिल्मों में, इतना फास्ट डिसीजन। मैं राजपाल भाई से इस कहानी को सुना, इस कहानी को सुनते ही, कहानी हर बच्चा जो पैदा होता है वो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड है, गॉड की दिए हुए सबसे नायाब तोहफा है इंसान, और इंसान के पास कुछ एक विशेष काबिलियत ईश्वर देता है, उस काबिलियत को हम खो देते हैं जब हम रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल करने लगते हैं। उस काबिलियत को न खोए, इससे इंस्पायर्ड एक कहानी है राजपाल भाई की, ये कहानी लेकर के हम भाई के पास पहुँचे, हम कहानी का एक लाइन बोल पाए, स्टोरी वन लाइन नहीं, कहानी एक एक लाइन, तो भाई बोलता है स्टॉप, हम आपके साथ हैं। मतलब इतना फास्ट डिसीजन, और इस डिसीजन को लेके मैं 4-5 बार जब मिला, और मैं जिस उम्र के पड़ाव में, इस उम्र में मैंने बहुत लोगों से मिला होगा, बिना नाम लिए बोलें कि हजारों करोड़ से लेके हजारों रुपए तक, हर आदमी जब इस उम्र में होता है, पैसे रहे उसके पास ना रहे, बट उसकी चीज़ें एक अलग होती हैं। इस उम्र में इतनी दौलत होने के बाद इस आदमी ने पिछले कई घंटों से, पिछले कई दिनों में काम के अलावा कोई बात नहीं की, और आई थिंक 2-3 घंटे से ज़्यादा सोते हुए नहीं देखा। सबसे अच्छी अगर लुभो लुभा ये बोले कि कोई भी योजना है तो जनता जनार्दन उसका कैसे लाभ ले सकती है, और जिस जो लोग, क्योंकि आज हम लोगों, आज 142 करोड़ का कंट्री है, और उसमें 125 करोड़ लोगों की एक जो बोलते हैं उनको सहारा मिलना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट नहीं प्रोडक्ट बन के पैदा हो